तो भाई जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने एक वीडियो लगा रखा है जिसमें आपको दिख रहा होगा मैं अपने लैपटॉप पे पूरा आईपीएल का मैच को लाइव देख रहा हूं मतलब कि फ्री में एकदम बिल्कुल फ्री में मैंने एक रुपया भी नहीं दिया है इसका और फ्री में जो कि है मैं पूरा आईपीएल अभी जो चल रहा है टू वाला आईपीएल लाइव देख पा रहा हूं अपने लैपटॉप के ऊपर तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको भी सिखाने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप पे बहुत ही आसानी से फ्री में पूरा आईपीएल कैसे देख सकते हो और वो भी रिकॉर्डेड वाला नहीं एकदम लाइव ठीक है जैसे चल रहा है मैच टीवी वगैरह में दिखता है उसी तरीके से आप जो की है अपने लैपटॉप में कितनी आसानी से देख सकते हो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में तो दोस्तों आज जो की है इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाने वाला हूं कि आप कैसे करके जो चुकी है अपने लैपटॉप में लाइव आईपीएल मैच देख सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में खाली आपको रिक्वायरमेंट होगा तो एक ही चीज का लैपटॉप का जो कि आपके पास होना चाहिए या लैपटॉप नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और उसमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन का क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन से ही आईपीएल चलेगा बिना इंटरनेट के तो भाई आपको पता ही होगा आउटर दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा तो आपके बिना इंटरनेट के आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कुछ चलने वाला नहीं है तो आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए और साथ में जो कि है आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आपको जो कि है स्पीड अच्छा मिलेगा जिससे आपका आईपीएल बिना रुके बहुत ही आसानी से एकदम लाइव टेलीकास्ट आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में चलेगा तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे करके आईपीएल चलाना है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में तो भाई आप जैसे कि देख सकते हो आपके सामने मैंने अपना लैपटॉप लैपटॉप खोल के रख दिया अब मेरे में पहला चीज क्या है कि मेरे लैपटॉप में इधर वाईफाई कनेक्टेड है वैसे आपके लैपटॉप में वाईफाई या इंटरनेट का कनेक्शन रहना चाहिए या आपका कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो उसमें भी जो कि है इंटरनेट का कनेक्शन रहना चाहिए अब उसके बाद क्या करना है आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है इधर मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्रोम ब्राउजर क्रोम ब्राउजर में अच्छे से ज्यादा चलता है आप चाहो तो दूसरा कोई ब्राउजर भी यूज कर सकते हो इधर जो कि मैं अपने लैपटॉप का क्रोम ब्राउजर ओपन कर देता हूँ और उसके बाद जो कि इसको फुल स्क्रीन कर लेता अपने ब्राउजर को और यहाँ पे मैं सर्च बार में गूगल में इधर सर्च कर दूंगा जियो सिनेमा लिख के जैसे कि आपको पता होगा इस बार जो कि है पूरा ब्रॉडकास्टिंग जो कि है जियो सिनेमा ने ले रखा है तो इस बार जो कि है आई पी को जियो सिनेमा ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो इधर जो कि मैं जियो सिनेमा लिख के सर्च कर देता हूँ तो जियो सिनेमा लिख के सर्च करेंगे तो गूगल में सबसे टॉप में ही आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा जियो सिनेमा का वेबसाइट आपको इस पे क्लिक कर देना है वॉच टाटा आई लिखा हुआ है अब इस पर क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने जियो सिनेमा का वेबसाइट खुल के आ जाएगा अब इस जियो सिनेमा के वेबसाइट में जैसे कि आप देख सकते हो इधर बैनर वगैरह भी लगा रखा है कि आई चल रहा है डिजिटल इंडिया का टाटा आई ठीक है और नीचे इधर कुछ कुछ चलता हुआ भी दिखा रहा है तो बेसिकली हम लोग को जो कि है लाइव आई पी एल देखना था हम लोग को क्या करना है थोड़ा सा ऐसे नीचे स्क्रॉल करना है इसको और यहाँ पे देखो आपको एक वॉच का बटन मिलेगा ठीक है आपको सिंपली इधर वॉच पे क्लिक कर देना है वॉच पे आप क्लिक करोगे तो आपका आईपीएल जैसे कि देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है और ये जो आईपीएल चल रहा है ये एकदम लाइव चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो इधर मैं आपको दिख रहा होगा ये देखो मेरा माउस का कसर कहाँ पर यहाँ पे यहाँ पे, पे लाइव लिखा है और लाइव आईपीएल आपको देखने को मिल रहा है अगर मैं इस पर क्लिक करूँ यहाँ पे तो ये जो कि है फुल स्क्रीन हो जाएगा तो फुल स्क्रीन में आईपीएल बहुत ही आसानी से देख सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो लाइव चल रहा है और इसमें जो कि है बहुत सारे फीचर्स भी है जैसे कि आप टीवी वगैरह में आईपीएल देखते होंगे पहले पिछले साल वगैरह में तो उसमें जो कि है उतना फीचर्स नहीं मिलता है पर ये जो कि जीओस ने बहुत सारे फीचर्स है जैसे कि आप जो कि इधर से क्वालिटी चेंज कर सकते हैं सेटिंग पे क्लिक करके अगर आपका इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा स्पीड है तो आप इधर जो कि है फुल एच पे क्लिक कर सकते हो थोड़ा सा कम स्पीड है तो एच पे क्लिक कर सकते हो तो हाई पे रख सकते हो स्टैंडर्ड पे रख सकते हो या ऑटोमेटिक पे रख सकते हो ऑटोमेटिक पे सिलेक्टेड रहता है इससे क्या होता है कि आपका इंटरनेट स्पीड जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपको वीडियो का क्वालिटी प्रोवाइड होगा ठीक है और इधर जो कि अभी आवाज़ कट की आवाज़ को मैं ऑन करूँगा अगर तो इधर जो कि है आई का आवाज़ आने लग गया आपको शायद कैमरे में सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा पर मेरे को सुनाई दे रहा है लैपटॉप का आवाज़ मेरा कम है तो इसलिए आपको हल्का हल्का सुनाई दे रहा होगा और बाकी आपको मैं और दिखाना चाहूँगा इसको अभी मैं इधर पॉज कर देता हूँ और इधर जैसे कि आपको लैंग्वेज वगैरह भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है जैसे कि इधर लिखा हुआ इंग्लिश आप इंग्लिश के बजाय दूसरा लैंग्वेज भी कर सकते हो अगर मैं एक बार बैक करूँ इसको और आपको दोबारा से दिखाओ इसको मैंने बैक कर दिया यहाँ से अब इसको जो कि है अगर मैं दोबारा से नीचे स्क्रॉल करके अगर आपको दिखाऊँगा फिर से वॉच पे क्लिक करके देखो मैं इधर वॉच पे फिर से दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है इंग्लिश है हिंदी है दूसरा दूसरा भी लैंग्वेज है ठीक है तो लैंग्वेज भी हम चेंज कर सकते हैं और बाकी इसके अलावा जो कि है इधर में एक और ऑप्शन मिल जाता है इधर एक वो देखो कैमरा का लोगो बना हुआ है ये वाला ऑप्शन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ से जो कि है ना आप कैमरा का एंगल सेलेक्ट कर सकते हो अलग अलग ठीक है इधर पर जैसे कि मैंने क्लिक किया तो इधर से देखो अलग अलग कैमरा का ऑप्शन मिल गया इधर से जो कि ये मेन कैमरा है अभी मेन कैमरा से हम लोग देख रहे हैं हम लोग चाहते हैं दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो हम लोगों तो का कैमरा का एंगल बदल गया जैसे कि आप देख सकते हो ठीक है जैसे कि आपको पता होगा एक स्टेडियम में जहाँ पे मैच चलता है उधर बहुत सारे कैमराज लगे रहते हैं तो आप अलग अलग कैमरा से अलग, अलग अलग एंगल के वीडियोज वगैरह भी देख सकते हो ठीक है लाइव मैच में वो भी जैसे कि आप देख सकते हो सर मैं फिर तीसरा कैमरा पे सेलेक्ट करता हूँ तो तीसरे कैमरा से दिखा रहा था दूर से ठीक है बाकी ऐसे ही मैं इधर से चौथा कैमरा सेलेक्ट करूंगा तो फिर ये चौथे कैमरे से दिखाएगा ठीक है तो अलग अलग एंगल्स हम लोग कैमरा चेंज करके भी देख सकते हैं ठीक है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया अगर आप सबको जो कि है बहुत ही एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला है इस वीडियो में जिसमें कि मैंने आपको सिखाया कि जो कि आप फ्री में आई अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से कैसे देख सकते हो तो अभी के लिए बस इतना ही था अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद